इस वीडियो में हम देखेंगे 5 टॉप किचन कलर्स जिसे इंटीरियर डिजाइनर्स अधिकतर यूज करते हैं और भारत में आने वाले दिनों में पॉपुलर होने वाले ट्रेंड्स। सबसे पहला है व्हाइट्स। व्हाइट किचन को टाइमलेस कहा जाता है और ये बात 1% भी गलत नहीं है। चल हर जगह इंटरनेट पे व्हाइट किचन छाया हुआ है, पर व्हाइट किचन का ट्रेंड आज का नहीं है। बाहर के देशों में कुछ 100 साल पहले भी पॉपुलर थे व्हाइट किचन। 1950s में किचन में कलर इंट्रोड्यूस हुए। कुछ साल बाद लोग कलर से बोर हो गए और वापस व्हाइट किचन की ओर आ गए। इंडिया में व्हाइट किचन का ट्रेंड कुछ सालों से ही आया है और उसके कारण है पहले व्हाइट काउंटर टॉप मटेरियल इजीली अवेलेबल ना होना, इंडियन कुकिंग में होने वाले हल्दी का यूज और ऑयल का यूज फ्राइंग के लिए, बड़े फैमिली के लिए बड़े मात्रा में खाना बनना। लोग ड्यूरेबिलिटी को एस्थेटिक्स से ज्यादा महत्व देते थे। अगर मैं इससे भी फ्लैशबैक में जाऊं तो काउंटर टॉप का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। व्हाइट किचन के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है। उसकी सुंदरता, सीमलेस लुक, जिस तरीके से आप अलग अलग टेक्सचर आसानी से ब्लेंड कर सकते हैं, किचन को क्लीन, फ्रेश और एयरी बना देता है। कलर चॉइस का कोई हेडेक नहीं है। व्हाइट किचन कैन नेवर गो रॉन्ग, इसीलिए इंटीरियर्स भी व्हाइट किचन बनाना प्रिफर करते हैं। अगर आप व्हाइट काउंटर टॉप के लिए स्केप्टिकल है तो आप ब्लैक काउंटर टॉप, ग्रेनाइट कंपोजिट्स भी यूज कर सकते हैं। जिनके पास ऑलरेडी ब्लैक टॉप या ग्रेनाइट है, निराश मत होइए, आप फिर भी एक सुंदर व्हाइट किचन कैबिनेट और बैकस्प्लैश चेंज करके बना सकते हैं। व्हाइट किचन बिना अंडर कैबिनेट लाइट के भी क्लासी और एस्थेटिक लगता है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करके रखिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और एक कलर जो बहुत ट्रेंडिंग है किचन में वो है बेज। बहुत वार्म और इनवाइटिंग कलर है किचन के लिए। आप कोई भी टाइप का किचन बनवाए, मॉडर्न, रस्टिक, विंटेज, मिनिमलिस्टिक, सभी में आप बेज कलर यूज कर सकते हैं। आजकल हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट्स में बेज किचन आपको नजर आएगा। स्पेशली लग्जरी होम्स में बेज कलर यूज किया जाता है क्योंकि इसमें लग्जरी के साथ ओवरऑल ब्राइटनेस भी मेंटेन होती है, जो घरों के लिए काफी सूटेबल होती है। ग्रे किचन, लाइट ग्रे कैबिनेट रिच लुक के साथ साथ स्पेस की लाइटनेस और ब्राइटनेस भी बरकरार रखते हैं। लग्जरी किचन में ग्रे अक्सर यूज किया जाता है। वर्सेटाइल होने के कारण काफी वैरायटी किचन डिजाइनिंग की जा सकती है। डार्कर ग्रे टोन्स, स्टोन फिनिशेस, वार्म व्हाइट लाइट, ये कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं एक्सट्रीम लग्जरी लुक के लिए। हाई एंड ग्रैंड किचन में यूजुअली आप ग्रे कलर देख पाएंगे फ्लोर में या अदर इंटीरियर एस्पेक्ट में। ग्रे कलर पे स्टेन्स इजीली विजिबल नहीं होते हैं। हाई ट्रैफिक एरिया को हैंडल करने में ग्रे कलर यूज किया जाता है। सब्ड्यूड कलर होने की वजह से इम्परफेक्शंस जल्दी नहीं दिखाई देते हैं और पुराने होने के बाद भी लुक मेंटेन रहता है। ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट कुछ एलिगेंट कॉम्बिनेशंस में से एक है। आप ब्लैक एंड व्हाइट किसी भी रेशो में यूज करें ये खूबसूरत ही लगते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन को आप एक्चुअली लग्जरी कम्बाइंड विद सीरेनिटी कह सकते हैं। ब्लैक के साथ मार्बल फिनिश एक ड्रामेटिक और स्मार्ट लुक देता है। अगर आपको वुडन फर्नीचर जैसे चेयर, टेबल यूज करने हैं तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप ब्लैक एंड व्हाइट किचन को काफी इजीली डेकोरेट कर सकते हैं। ब्लैक के साथ मेटालिक कलर्स जैसे कॉपर, गोल्डन बहुत ही अच्छे लगते हैं। लग्जरी लुक के लिए अक्सर ये फिनिशेस एक्सेसरीज में यूज किए जाते हैं, जैसे हैंडल्स, टैब्स, नॉब्स और अदर डेकोरेटिव्स। ब्लैक एंड वुड, जो लोग मॉडर्न स्लीक प्लेन किचन से बोर हो चुके हैं उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है और यूनिक भी। कभी भी ब्लैक या वुडन टेक्सचर लैमिनेट चूज करते समय ध्यान जरूर रखिए कि लैमिनेट की फिनिश प्रीमियम हो, नहीं तो किचन या वार्डरोब रिच लुक देने के बजाय एक लो क्वालिटी लुक देगा। ओपन किचन में ब्लैक एंड वुड कॉम्बिनेशन कैफे स्टाइल लुक दे सकता है। वुड के साथ वार्म व्हाइट लाइट का कॉम्बिनेशन प्रीमियम लुक देता है। अब देखते हैं अपकमिंग ट्रेंड्स की एक छोटी सी झलक। इनविजिबल किचन, जिसमें आपको काउंटर टॉप, स्टोव, अप्लायंसेस नजर नहीं आएंगे। स्लाइडिंग या फोल्डिंग डोर की सहायता से किचन काउंटर टॉप कवर हो जाएगा। बाहर से यह आपको एक कैबिनेट की तरह ही नजर आएगा। कुकिंग होने के बाद शटर बंद करने से फिर से आपको एक नीट और क्लीन लुक मिलेगा। ओपन किचन लिविंग रूम, ओपन किचन कंसेप्ट तो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, पर इंडिया में ये अभी काफी पॉपुलर हो रहे हैं। छोटे अपार्टमेंट में जगह कम होने की वजह से वॉल स्पेस यानी दीवार की जगह भी यूटिलाइज की जा रही है। देखने में घर बड़ा, ओपन और मॉडर्न लगता है। घरों में पहले के कंपैरिजन कुकिंग कम हो गई है और मार्केट में पावरफुल एग्जॉस्ट भी अवेलेबल है। आप कुकिंग करते हुए भी परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। इंस्टाग्राम वर्दी या पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड किचन, बिलीव इट और नॉट ये भी एक कैटेगरी हो चुकी है। जो लेट 90s या बाद में बॉर्न हुए हैं उन्हें अभी के मॉडर्न किचन थोड़े से बोरिंग लगते हैं। इन किचन में ओपन शेल्फ्स, चॉकबोर्ड, प्रॉपरली लेबल्ड सुंदर कंटेनर्स, प्लांट्स, एस्थेटिक यूटेंसिल्स डिस्प्ले में देखने मिलेंगे। सेज ग्रीन कलर का भी इस्तेमाल आपको देखने मिलेगा।
एक्चुअली ये किचन फ्रेंच फार्म हाउस स्टाइल या इंग्लिश कंट्री किचन से इंस्पायर्ड है। ये भी आज का ट्रेंड नहीं है, कुछ 100 साल पुराना है। ये तो हम अक्सर देखते हैं कि भले ही वो कपड़े हो, म्यूजिक हो या इंटीरियर, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। पुराना फैशन फिर से आता है, पर कुछ मॉडिफिकेशन और मॉडर्न टच के साथ, जो सबको पसंद आ जाता है। पैंडेमिक के बाद से लोग ऑर्गेनिक किचन या ऑर्गेनिक इंटीरियर की तरफ इंक्लाइंड हो गए हैं। नेचर को घर के अंदर महसूस करना चाहते हैं। वुडन एक्सेंट, ऑर्गेनिक या नेचर इंस्पायर्ड किचन में लाइट कलर्ड वुड टेक्सचर और हाई एंड लग्जरी में डार्क वुड या ब्लैक वुड टेक्सचर देख पाएंगे।